नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। केबीएस की वैकेंसी बहुत बम्पर भर्ती इस बार आपके लिए आई है। 4 वर्षों के बाद देखा जाए तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो इसकी तैयारी इतने दिनों से इसका इंतजार कर रहा है वो इस सिलेक्शन से वंचित रह जाए। टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरी तैयारी के लिए कमर कस ली है, और एक एक मॉड्यूल की कैसे हम क्या क्या लेके आगे चलेंगे सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो केवीएस के लिए अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, जेएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सेशन होने वाला है, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। हम यहां पे देखते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बुक्स, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी, कट ऑफ के बारे में, और हम कैसे निःशुल्क तैयारी करें इनके बारे में यहां पे समग्र जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझना कि अभी जितने भी लोग हैं, अगर केवीएस के पीआरटी की बात करूं, आज का वीडियो बच्चों मैं केवल पीआरटी पे ज्यादा आपसे चर्चा करूंगा। पीआरटी जो आपके प्राइमरी अध्यापक की जो यहां पे केवीएस में है, और अगर हम पदों की संख्या देखें तो 6414 पद है, कम नहीं है, बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो पीआरटी होता है केवीएस का वो बहुत आसान होता है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत ही विधिवत तरीके से आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कहां पे कैसे हमें समग्र तैयारी लेके चलनी है, कौन से हमें रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कितनी कम मेहनत में हम इसके सिलेक्शन को ले सकते हैं। देखिए, दो तरीका होता है। एक तो होता है जब नई वैकेंसी आती है तो बच्चा परेशान हो जाता है और संस्थाएं उन्हें और भी परेशान कर देती हैं, हवा बनाए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से ये इस नौकरी में सिलेक्शन लिया जा सकता है। यदि आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, अगर आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आपने अच्छा किया है, एक ट्रेंड आपको मालूम है, तो आपके लिए ये नौकरी बहुत आसान हो सकती है। हम 150 क्वेश्चन की बात करेंगे। 150 नंबर की यहां पे होता है, दो पार्ट में होता है। पार्ट ए, अगर मैं एक आपको डायरेक्ट बोलूं तो दो पार्ट में होता है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट टू जो होता है इसमें मैक्सिमम विषय होते हैं, पार्ट वन जो होता है इसमें केवल भाषा होता है, मतलब इंग्लिश होता है और हिंदी होता है। इंग्लिश और हिंदी की बात करें, यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन 10 इंग्लिश के होते हैं, 10 हिंदी के होते हैं, बाकी पार्ट टू होता है। पार्ट टू में ही एक क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट होता है, जिसमें आपसे साइंस पूछता है, साइंस मैथ्स पूछता है, और आपसे ईवीएस पूछता है, ईवीएस बोल दो या जनरल साइंस बोल दो। ये आपका मिला के 20 क्वेश्चन ये होता है, 20 क्वेश्चन ये होता है, 20 क्वेश्चन ये होता है, तो 60 क्वेश्चन टोटल यहां पे होता है, 20 क्वेश्चन यहां पे होता है, टोटल 80। और अगर हम यहां पे देखें तो 70 क्वेश्चन का पार्ट ये होता है, जिसमें आपका रीजनिंग होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर होता है, जिसमें आपका पेडागॉजी होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसे आप लोग बोलते हो, इसी में आपका जीके जीएस होता है, जीके और करंट अफेयर्स होता है, इसी में आपका फिर से हिंदी पूछता है, इसी में आपका इंग्लिश पूछता है, और ऐसे करके ये आपका 70 का पार्ट ये होता है। तो इसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्रीवियस ईयर में भी कैसा पूछा गया था और क्या पूरा हुआ था। तो एक बार हम यहां पे देख लें जो प्रीवियस ईयर में कैसे किससे क्वेश्चंस आए थे। अगर यहां पे जो टोटल आप देखो तो इसे एक शॉर्ट भाषा में आप ऐसे लग बोल सकते हो, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो कि जितने भी पार्ट हैं सबसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप तो टोटल 120 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 20 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं पार्ट वन पार्ट टू मिला के, ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, एकदम जनरल भाषा में अगर समझो तो 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, साइंस के होते हैं, ये भी 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस के होते हैं, ठीक, ये भी 20 क्वेश्चन होता है, और 20 क्वेश्चन आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होता है ये होता है, ये भी आपका 20 क्वेश्चन होता है, मतलब 3-3-6 120 क्वेश्चन आपका ये होता है। उसके बाद आपके तीन पार्ट 10-10 क्वेश्चन के होते हैं, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, और आपका जीके और करंट अफेयर्स हो गया, जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट ज्यादा होता है, तो 10-10 क्वेश्चन आपका यहां पे होता है, मतलब 120 ये होगा और 30 इसे जोड़ दोगे तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। अभी आपसे ये मतलब नहीं है कि पार्ट वन है कि पार्ट टू है, आप इसे सब्जेक्ट वाइज देखो, और इसमें सिलेक्शन लेना भी बहुत आसान है क्योंकि मैथ्स इसने लिख दिया। अब अगर हम यहां पे देखें तो आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लो, पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैथ्स में उसने क्या पूछा था। मैथ्स में बेसिक अरिथमेटिक से उसके 8 क्वेश्चन थे,
केवल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्या थे 10 क्वेश्चन थे। सिलेबस में भी इसका मेंशन ज्यादा किया हुआ है। एलजेब्रा से केवल 2 क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा मेंशन हुआ है। मतलब 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो एक आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ लो, एक आप एलजेब्रा एक दिन की क्लास होती है इससे अच्छे से पढ़ लो और इसमें अरिथमेटिक हो गया, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस से उतना भी नहीं पूछता है, सीआईएसआई हो गया, छोटे छोटे टाइम इस पे डिस्टेंस हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया, इससे 8 क्वेश्चन पूछता है। तो इसको मैं बताऊंगा इसे कैसे पढ़ना है। ये ज्यादा समय ले जाता है, कम नंबर का होता है, ये कम समय ले जाता है, ज्यादा नंबर का होता है, ये मैथ्स का पार्ट होता है। ऐसे ही अगर आप जीएस में देखोगे ईवीएस में तो पॉलिटी के जियोग्राफी के केवल 13 क्वेश्चन थे। हालांकि आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा बट अगर हम उसे कन्वेंशनल सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो 13 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के हैं, 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हैं और 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के। हिस्ट्री इसमें नहीं पूछता है, जनरल चीजें इसमें ईवीएस वाले में साइंस भी वैसा नहीं पूछता है, नॉर्मली आपका 3 पोर्शन होता है। और ये आपका पॉलिटी जो होता है ये पॉलिटी ऐसा पॉलिटी नहीं होता है जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, इसमें एक अलग टाइप की पॉलिटी होती है। आप ऐसे समझो कि ये एनसीईआरटी की बुक से पूछता है, एनसीईआरटी के क्लास एट्थ से लेकर अगर 10th तक की एनसीईआरटी देख लो तो वहां से इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सिमिलरली मैथ्स होता है, सिमिलरली फिजिक्स होता है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन। और इसमें भी मैकेनिक्स जो पार्ट होता है जैसे आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, आपका फोर्स हो गया, ये सारी चीजें जो होती है, वेलोसिटी हो गया, इनसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री से नाम मात्र क्वेश्चन है और साइंस भी साइंस नहीं, लाइफ साइंस है जो थोड़ा बहुत क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, जैसे एटमोस्फेयर हो गया, जो आपके इर्द गिर्द का पर्यावरण हो गया, उससे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं ज्यादा यहां पर होते हैं। उसके बाद फिर अगर देख ले कंप्यूटर साइंस में केवल ऑफिस से ही 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनपुट डिवाइसेस, मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक ऐसे टीचिंग मेथोडोलॉजी में 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये सिलेबस में मैं आपको दिखा दूंगा। और पूरा रीजनिंग में देखा जाए तो ये बहुत ही आसान पार्ट है, यहां से आपके क्या होते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इंग्लिश और हिंदी के पार्ट देखो तो ईडीएम होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, फिलर, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस। उसके बाद अगर आप हिंदी में देखो तो व्याकरणिक कोटियां से, समास से, मुहावरे से, काव्य रूप से, लक्षण से, तत्सम, तद्भव, संधि, भाषा, वर्णमाला, वाक्य भेद, उपसर्ग प्रत्यय, वचन लिंग, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछता है। और आपका जो जीके जीएस वाला पार्ट है उसमें मेजर पोर्शन 5 करंट पूछता है, बाकी जनरल जीके पूछता है, जनरल अवेयरनेस पूछता है, जो कॉमन सा है, अलग से पढ़ने की कोई स्पेशल किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जनरल फैक्ट होता है जो आप इर्द-गिर्द पढ़ के ये पोर्शन आप 5 नंबर कर लोगे। अगर ये वाला पोर्शन आप पढ़ लेते हो इधर वाला पीछे वाला तो ये आपका 5 नंबर आराम से हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये हमारा है इसे हम लोग तैयारी कैसे करना है। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है, आपके पास किताबें क्या होनी चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बच्चों बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस पीआरटी आपके लिए पूरा निशुल्क बैच लेके आ रही है और इसमें हम बहुत ही समग्र रूप से सारी तैयारी करवाएंगे, एक एक पार्ट। इसमें 6 से 7 टीचर आपके, 6 से 7 फैकल्टीज होंगे, कंप्लीट आपका जो होगा वो आपकी कंप्लीट क्लास होगी, उसके प्रैक्टिस होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, सब कुछ आपका पूरा निशुल्क इसमें कराया जाएगा, कहीं पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको किसी विशेष कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती, कोई जरूरी नहीं कि आप वहां पे फीस दे के जुड़ो उसके बाद पढ़ो। हर जो भी सब्जेक्ट लिखा है उसमें 2 ही 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं अगर आपको सिलेबस की चर्चा करूं थोड़ा सा, सिलेबस अगर आप देखो तो आप खुद देख सकते हो, जैसे जनरल मैथ्स से, या मैं अगर आपको और भी पोर्शन दिखा दूं, जैसे जो सब्जेक्ट पेपर है, बाकी सारी चीजें तो अलग चीज, जो सब्जेक्ट पेपर 60 क्वेश्चन है उसमें देख लो। इसमें इंग्लिश का अगर देखो, जो इंग्लिश का है 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, तो इसमें आर्टिकल्स, डिटरमिनेंट, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरी, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशन, लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इसमें लिखा इतना है बट पूछता भी बहुत सिंपल से पार्ट है। जैसे अगर उसने सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन ग्रामर से पूछता तो एकदम जो कॉमन वाला है, जैसे इट्स हाई टाइम पे, नो सूनर डिड अराइव, इनसे क्वेश्चंस वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। अगर ईडीएम पेजेस से पूछेगा तो बहुत ही आसान वाले पूछता है, जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है वो भी बहुत आसान पूछता है। तो इसे अगर आप इसके लिए जो सुबह सर्वेसर क्लास कराते हैं वो कैप्स आप उसे भी फॉलो कर लोगे तो भी आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से यहां पे कवर हो जाएगा। हिंदी में आप देख लोगे तो व्यवहारिक व्याकरण, जैसे भाषा हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एकवचन, बहुवचन, ये सारे, तत्सम, तद्भव हो गया, उसके बाद उक्तियां हो गया, एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जनरल साइंस में देख ले जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, इसमें ये
बिकॉज मैथ साइंस और ईवीएस ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे बच्चा भटक जाता है, वो पढ़ने के बहुत पता नहीं संस्थाएं और वो क्या क्या रिसोर्सेस उठ के पढ़ जाता है, बट इसमें पूछता बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे साइंस में उसने क्या लिखा है, लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फूड, यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जो टॉपिक है, ये यूनिवर्स टॉपिक बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है। यही आप यहां पे भी पढ़ोगे साइंस में, यही आप जब ईवीएस वाला पार्ट पढ़ोगे वही टॉपिक वहां पे भी पढ़ोगे। मतलब ये नेचुरल फेनोमेना, प्लैनेट्स, इंडिया स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, आवर कंट्री, सरफेस नेचुरल रिसोर्स, फूड एंड क्रॉप्स, ये जो है इतना पार्ट आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ये साइंस का पार्ट नहीं है। या आप वहीं से पढ़ लोगे नीचे वाले पार्ट से और वहां से आपका कवर हो जाएगा। बाकी जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, इससे मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत ऊपर ऊपर जो बहुत मेन चीज है पढ़ने का, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, गैसेस एंड लिक्विड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और फोटोसिंथेसिस। केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो मैटर, एलिमेंट, एटम के आसपास ही चीजें घूम रही है। ज्यादा केमिस्ट्री में पूछा नहीं है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन का पूछा है बस, और वो भी बहुत बेसिक सा पूछता है, इतना डीप नहीं पूछता है। उसके बाद देखा जाए अगर फिजिक्स में, तो केवल उसने मोशन लिखा है, मोशन में ही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, आइडिया ऑफ सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल मशीन। मतलब पूरे फिजिक्स में केवल आपसे एक चैप्टर पूछ रहा है मोशन, ना वो वेव पूछ रहा है, ना वो ऑप्टिक्स पूछ रहा है, ना ही वो साउंड पूछ रहा है, ना ही वो कुछ एनर्जी पूछ रहा है, ना ही यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पूछ रहा है, वो केवल और केवल मोशन पूछ रहा है, सिंपल सा मैकेनिक्स पूछ रहा है। फिजिक्स मतलब केवल इतना है, एक चैप्टर, आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही केमिस्ट्री में केवल मैटर्स और एटम्स पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और तीसरा हाइड्रोकार्बन। और यहां से क्वेश्चन भी मुश्किल से, फिजिक्स से तो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, आप देखो यहां पे एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया है, यहां से आपके 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, 3 से 4 ही बोल लो, ठीक है, या 4 से 5 इधर बोल लो, ऑन एवरेज अगर रख लिया जाए, और 4 से 5 क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा, बाकी 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स की होगी। तो ये आपका साइंस वाला पोर्शन है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो जनरल मैथ्स में, जनरल मैथ्स में उसने क्या लिखा है, देखो ज्योमेट्री वाले पोर्शन को उसने अलग किया है, क्या बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ओपन क्लोज्ड फिगर, एंगल, वर्टेक्स, इंटीरियर एक्सटीरियर, ट्रायंगल, उसके बाद फिर सर्कल, फिर उसके बाद पेरिमीटर। तो ये केवल एक ट्रायंगल पूछेगा, एक सर्कल पूछेगा, और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, और पॉइंट एंगल पूछेगा, इससे ज्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर में कुछ नहीं पूछेगा। और अगर हम बात करें तो जनरल स्टडिंग ऑफ पेरीमीटर एंड इरेगुलर शेप, ये मेंसुरेशन है, ये भी इसी से संबंधित है, मेजरिंग एरियाज, और किसकी बात करेगा, ये भी जो रेगुलर फिगर होते हैं उनसे बात करेगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ये आप देख सकते हो कि केवल और केवल ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है इसने इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, और पूछता भी यही, मैंने आपको दिखाया भी प्रीवियस ईयर पैटर्न, और बाकी पूरा पोर्शन को एक में दे दिया है। तो यहां इससे क्वेश्चंस आपके ज्यादा होते हैं, 10 प्लस क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन से होंगे। इसमें एक एलजेब्रा का पार्ट दिया, बेसिक ऑफ एलजेब्रा, तो इतने पूरे पार्ट में वो एलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इतने से वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछेगा। कहने का मतलब ये होगा कि इतना पार्ट जो है, और उसमें भी नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्लेस वैल्यू, इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतना सिलेबस कवर हो जाता है आपका, सॉरी, ये पोर्शन इतना कवर हो जाता है, ये कवर करना है आपको, उसके बाद ये पोर्शन कवर करना है आपको, फिर आपको ये पोर्शन कवर करना है, इस बीच से बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो भी आपका 2-3 क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें भी बहुत अच्छी रणनीति चाहिए। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज में, तो आप देख सकते हो इसमें कहीं हिस्ट्री उसकी चर्चा नहीं किया है। देखो, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, सिटीजंस राइट्स इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। कहने का मतलब ये जो आपकी राज्य व्यवस्था होती है, पॉलिटी होती है, ये भी जो आप कक्षा
आठ से लेके जो टेंथ की जो आप अगर पॉलिटी उठाओगे, जो पहला दूसरा चैप्टर है केवल उसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसने पॉपुलेशन, और ये है लिखा पॉपुलेशन है, क्वेश्चन किससे पूछता है, सेंसस से पूछता है। और ये आखिरी बार होगा कि सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये शायद 3-4 महीना बाद पेपर और अगर ये वैकेंसी निकली होती तो ये नए आंकड़े आ जाते, फिर से आपको नए रटने पड़ते, सब लोग बराबर आ जाते, ये कॉम्पिटिशन जीरो हो जाता सेंसस वाले में। फिर भी अभी तो 2011 वाला ही पूछा जाएगा। फिर बायो में केवल कॉमन डिजीज, डिफिशियंसी, कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें केवल डिजीज से क्वेश्चन पूछेगा, ऑर्गन से क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपका यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस, या फिर देखो वही वाला एयर, वाटर, सॉयल, लैंड, मिनरल्स, ये सब आके ज्योग्राफी वाला ही पार्ट हो गया। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट इज ज्योग्राफी वाला ही पार्ट हो गया। फॉरेस्ट एंड मिनरल्स हो गया, वाटर रिसोर्सेज, रिवर, इरीगेशन सिस्टम, क्रॉप पैटर्न, मैप ऑफ इंडिया, ये पूरा ज्योग्राफी हो गया। तो ये साइंस नहीं है, ये आप ऊपर यहां पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, दोनों आपका मिक्स होगा। क्वेश्चन भी यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये आप समझिएगा। तो अगर मैं आपको एक लैंग्वेज में बोलूं कि आपको किस पोर्शन में सबसे ज्यादा मेहनत करना है, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है अच्छे से, आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पढ़ना है, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स में केवल मोशन पढ़ लोगे। केवल ये तीन टॉपिक आपका करीबन 10 क्वेश्चन यहां पे, ऐसे ही 12 से 15 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिला के यहां पे, और मोशन से 10 क्वेश्चन यहां पे, कहने का मतलब 32 से 35 क्वेश्चन आपका केवल तीन टॉपिक दिला रहा है 150 में से, बाकी पूरा पढ़ा हुआ है। और अगर यही 30-32 अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपके सिलेक्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही टॉपिक आपकी होने वाली है। बाकी आपको पढ़ना तो सब है, और आपको ये एक एक पॉइंट जितनी आपकी डीप एनालिसिस है, सब कुछ आपको बहुत विधिवत तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप आज ही, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकदम इसका फ्री बैच टीम परीक्षा प्लस चलाने वाली है। मैं आपको बोल रहा हूं ये फ्री चलाने का कारण भी यही है, क्योंकि इसमें बच्चों आपसे पैसा लेके क्या पढ़ा दे, जब पूछता केवल छोटा सा पार्ट है। अगर मैं मैथ्स पढ़ाने पे आ जाऊंगा तो केवल ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसे 8-10 क्लास में कवर करा दूंगा, बाकी सब एक एक क्लास है, मतलब 15-20 क्लास में आपकी केवल मैथ्स पूछेगी। और अगर उतना पढ़ लोगे एक क्वेश्चन भी नहीं आपका जाएगा, इस बात की गारंटी, क्या ही मैं आपको अपनी मेहनत का क्या पैसा ले लूं। ऐसे ही आपका साइंस है, उसमें केवल मैं मोशन पढ़ा दूंगा, ऐसे ही आपकी ज्योग्राफी है, बाकी सब आपके 4-4, 5-5 क्लास है, लोग इसमें 4-4, 5-5 महीने आपका तैयारी करवा रहे होते, एक साल से तैयारी करवा रहे होते। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कब हो जाएगा, तो इसका एग्जाम विद इन 2 मंथ के अंदर हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। फरवरी तक आपका ये पेपर हो जाना है, फरवरी, मिड फरवरी तक पेपर हो जाना है। तो इतने कम समय में फीस लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब फ्री बैच है इसमें आपको पूरा, अब ये मत सोचिएगा कि सर फ्री करा रहे हैं पता नहीं कंप्लीट कर पाए। बच्चों अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं तो जितना आपको वो है उतना हमें भी अपने इमेज की फर्क है, कि अगर हम बैच फ्री अनाउंस कर दें उसे कंप्लीट नहीं करा पाएंगे तो बच्चे हम पे थू थू करके चले जाएंगे। तो इस बात के लिए आप चिंता मत करो, इसमें पूरा आपकी लाइव क्लासेस होंगी कॉन्सेप्ट की। इसके साथ साथ ही क्या होंगी, इसके साथ साथ ही इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें ये तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट फॉर्मेट में भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यही नहीं, जितना भी आपको यहां पे सब्जेक्ट है सबका पूरा क्लास नोट्स आपको बहुत विधिवत तरीके से इसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है एकदम। कहां पे ये चलेगा तो मैं आपको बता दूं कि ये कहां पे चलेगा, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चलेगा, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो इसी पे ये आपके पूरा का पूरा बैच चलेगा, पूर्णतः निशुल्क चलेगा, एक भी जीरो फीस इसमें होगी, बस आपका विश्वास और आपकी कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आप इसमें यकीनन सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमें एक महीना देख के देखो, ज्यादा नहीं। अभी अगर आप कहीं बैच खरीदने की सोच रहे होगे ना, तो जिस दिन से इसको मैं पूरा बैच के बारे में एक अलग से इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा, आप एक सप्ताह पढ़िएगा, आपको लगेगा कि नहीं यार ये टीम कंप्लीट नहीं करा पाएगी, ये टीम हमारा सिलेक्शन नहीं करवा पाएगी, आप जहां जाइएगा वहां सिलेक्शन ले लीजिएगा, मैं आपको जहां पे आप एडमिशन ले लीजिएगा मैं वहां पे आपको रोकूंगा नहीं। बट इतना आपको जरूर बोलूंगा कि एक बार जब बैच स्टार्ट होता है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना विधिवत तरीके से आपकी तैयारी करा रहे हैं, कितना डीप एनालिसिस करा रहे हैं, फिर आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो शायद कोई पेड में नहीं दे सकता उससे कहीं ज्यादा हम आपको निशुल्क में आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो उम्मीद है ये सेशन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, कि एक क्या पूछा जाएगा आपसे सिलेबस का एक अच्छा सा आइडिया आपके दिमाग में बैठा होगा। बाकी छोटी छोटी बातें, आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने जो और भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको यह पता चले कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से तैयारी हो रही है, और सब कुछ आपको पता चलते रहे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।